हाय, मैं अज्जू भाई। मेरी आवाज तो पहले सुनी होगी। अभी तक आपने मुझे एपीवी में देखा है, आज मैं तुम्हें अपना पीओवी दिखाता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले अज्जू भाई के बारे में, जो कि आप लोग को पता है कि अज्जू भाई का फेस रिवील वीडियो आ चुका है। वो चीज मैं आप लोग को दिखाऊंगा अभी इसी वीडियो पर। उससे पहले मैं आप लोग को एक ऐसा वीडियो दिखाने वाला हूँ जो कि फुकरा इंसान ने फिर से बिग बॉस के ऊपर कुछ ऐसे एलिगेशन लगाए हुए हैं जो कि आप लोग देखकर बोलेंगे यार ये सच में था क्या, ऐसा होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएगा। फिर सबसे पहले आप एक क्लिप देख लीजिए। हमेशा बोलती हूँ कि तू अपना एक स्टैंड लिया कर। सर मैं अपना स्टैंड बना रहा अपने लूंगा ना। अरे तुमसे तुम्हारा बाइक का स्टैंड नहीं लगता यार। बिग बॉस क्या बोलूं बिग बॉस के बारे में। मतलब आई डोंट नो इस बार कोई बिग बॉस देख रहा है नहीं देख रहा, बट जब मैं रील्स देखता हूं बिग बॉस की, क्या चल रहा है भाई। इस बार का बिग बॉस कम है सास बहु साजिश में। वो जो टीवी सीरियल्स होते थे ना, मैं मेरी बीवी और वो वाला सिचुएशन ज्यादा बनाता है। पहले ईशा के साथ ये करा, ईशा और अभिषेक थे, समर्थ को ले आए, लव ट्राइंगल ले आए। मतलब तुम सोच सकते हो दे आर सो मच शॉर्ट ऑफ कॉन्टेंट कि उनको ये देखना पड़ रहा है कि पर्सनल लाइफ में किसका क्या चल रहा था, जो मैं उसको उठा लाऊं और उसकी एक ट्विस्टेड मसालेदार स्टोरी बन जाए। पर बिग बॉस वाले ये नहीं समझते ये कितनी देर चला लेंगे। ईशा अभिषेक और समर्थ आया, समर्थ ने एक दिन के लिए ड्रामा दिया, दो दिन के लिए ड्रामा दिया, उसके बाद तो ठंडे हो जाएगा ना, वो पैचअप कर लेंगे, फिर क्यों देखेंगे। कंटेस्टेंट में दम होना चाहिए भाई। बस वो किसी का बॉयफ्रेंड है, एक्स बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हुई है। और मैंने तो ये देख लिया भाई, जिसको बिग बॉस में जाना है तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे को एलिगेशन लगानी है। चाहे तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक्स बॉयफ्रेंड एक्स गर्लफ्रेंड अगर बिग बॉस में चल गया तो उसके बारे में बकवास कर दो, तुम वहां पहुंच जाओगे। और अगर तब भी नहीं करते तो भी तुम्हारे पास एक अच्छा ऑप्शन है, बकवास करते रहो किसी के बारे में कि अंदर जो शो का बंदा है उसने ऐसा करा वैसा करा ये करा फोन करा। तुम्हारे लाइमलाइट में गंदी लाइमलाइट में आ जाओ तो वो तुम्हारे को अंदर बुला लेंगे। आइए 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 बिग बॉस क्या हो गया तुम्हारे को। बिग बॉस कंटेंट देने वाले लोग लेके आओ, ये क्या लेके आ रहे हो। एंड नेक्स्ट टाइम इफ एनीवन वांट्स टू एंटर बिग बॉस, लाइक मैं या कोई या किसी को भी बिग बॉस जाना, तो भाई ये ध्यान रखना तुम्हारी गर्लफ्रेंड एक्स गर्लफ्रेंड उससे पहले की गर्लफ्रेंड आने वाली गर्लफ्रेंड कोई लड़की जिससे तुमने फ्लर्ट करो, सारी लड़कियों से दूर रहना, कोई ऐसा पास नहीं होना चाहिए। नहीं तो भाई तुम्हें तो यही टेंशन रहेगी क्योंकि मैं अंदर आ गया तो कोई पीछे से ये ना बोला अरे ये तो मेरा दोस्त था इसने मेरे बारे में ऐसे बोला था, मैं भी अब अंदर आऊंगी। क्या चल रहा है। तो जैसे कि आप लोगों ने इस क्लिप को देखी लिया, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बिग बॉस के बारे में फुकरा इंसान ने क्या कहा। लेकिन मैं आप लोगों को वीडियो दिखाने वाला हूँ, अज्जू भाई यानी कि टोटल गेमिंग ने भी अपना फेस रिवील कर दिया है। तो खतरनाक लेवल का फेस रिवील था, वो शायद आप लोगों को दिख रहा होगा पीछे बैकग्राउंड में, लेकिन उसका फेस नहीं दिख रहा होगा। तो उसके फेस को देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखो आप फेस रिवील। तो हेलो 37 मिलियन सब्सक्राइबर्स, मेरा नाम है अज्जू भाई अजेंद्र वरिया और आप सभी का स्वागत है मेरी रियल लाइफ में। आओ साथ में खेलते हैं। आप लोगों ने इसका फेस भी देख लिया, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा फेस रिवील इसका किस तरह से लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।